हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टूज मॉम एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बेसन के कुछ ऐसे ब्यूटी टिप्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग कर सकते हैं, अपनी स्किन को, डलनेस स्किन को नॉर्मल बना सकते हैं। तो आइए बताती हूँ आपको कुछ ऐसे फेस पैक्स। ये सभी फेस पैक हमारे ऑयली स्किन वालों के लिए हैं। आप अपनी स्किन की डलनेस और दाग धब्बों को इन फेस पैक से कम कर सकती हैं। दोस्तों, बेसन की मदद से आप अपने एक्ने को भी दूर कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं आपको अपने चार फेस पैक। दोस्तों, जिसके फेस पर दाने हो जाते हैं उन्हें साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनकी जगह आप बेसन का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो क्योंकि बेसन से चेहरे को साफ करने में आसानी होती है, जो कि हमारे पोर्स के अंदर तक जाकर सफाई करता है और पोर्स के अंदर तक जाकर सभी गंदगियों को निकाल देता है। वह आपको एक मुलायम व सुंदर स्किन देता है। साथ ही ये आपकी रंगत को निखारने में मदद करता है। साबुन की जगह बेसन का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के दाग धब्बों को दूर किया जाता है। दोस्तों, हम नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल ना करके बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी को सॉफ्ट बनाएगा, साथ ही हमारी बॉडी पर जो लार्ज पोर्स होते हैं उनके अंदर तक पहुंचकर स्किन को टाइट करके उनको एक हद तक बंद करने में सहायक होगा, जो कि हमारी बॉडी पर बहुत भद्दे दिखाई देते हैं। तो अब हम जानते हैं कि बेसन के ऐसे कौन से फेस पैक है जो हमारी स्किन को स्मूथली बनाते हैं। दोस्तों, एक बात को ध्यान में रखते हुए आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये फेस पैक सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है। मेरा पहला फेस पैक है डार्क स्पॉट्स एंड पिंपल के मार्क्स को हटाने के लिए। तो ये फेस पैक है, इस फेस पैक में हमें जरूरत पड़ेगी 1 टेबल स्पून बेसन, टमाटर का रस। मैं इस टमाटर को काट लेती हूँ और इसमें से कुछ 1 चम्मच के आसपास जूस निकाल लेती हूँ। दोस्तों, 1 चम्मच जूस इसमें से निकल चुका है। और अब इसमें जरूरत पड़ेगी हमें एलोवेरा जेल या फिर ऑरेंज जेल की। ये मेरे पास ऑरेंज जेल है। अब इस और इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी हमें ऐड करना है, कुछ इस तरह से एक थिक पेस्ट हमें बना लेना है। दोस्तों, इस मिक्सचर को आपको एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, कुछ इस तरह से। देखिए, आप इसको देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमें पेस्ट बना लेना है। और इस फेस पैक को 20 से 30 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई करें। जब ये फेस पैक सूख जाए तब हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए इसे धो डालें। आपको ये गुनगुने पानी से धुलना जरूरी है। ये आपके पिंपल्स के मार्क्स को, बर्निंग मार्क्स को, एक्ने मार्क्स को काफी हद तक दूर करेगा। सेकेंड थिंग, अब नंबर आता है हमारे दूसरे फेस पैक का। तो दोस्तों, हम आपको दूसरा फेस पैक दिखाने जा रहे हैं। हमारा दूसरा फेस पैक है बेसन, हल्दी और दूध के साथ। तो 1 टेबल स्पून हमें बेसन लेना है। ये मैंने बेसन ले लिया है। 1/2 टेबल स्पून हमें हल्दी पाउडर लेना है और 2 टेबल स्पून हमें दूध लेना है। दोस्तों, आप इसमें कच्चा दूध ही लें, उबले हुए दूध का इस्तेमाल ना करें। और इसको एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लें, कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे, इस फेस पैक को आप अपने फेस पर अप्लाई करें। फ्रेंड्स,
किसी भी फेस पैक को अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से गुनगुने पानी से साफ कर लें। ये फेस पैक आपकी स्किन के अंदर तक पहुंचकर सफाई करेगा, क्योंकि टर्मरिक पाउडर में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो कि बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी मदद करता है। अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं तो ये फेस पैक आपकी रेडनेस की जलन को भी दूर करता है, साथ ही ये फेस पैक आपकी स्किन को ग्लो भी देता है। हमारा थर्ड फेस पैक है 1 टेबल स्पून हमें लेना है बेसन, और इसमें ये मैंने गुलाब जल रखा हुआ है 2 टेबल स्पून, इसमें गुलाब जल मिक्स करना है और इसका एक अच्छा सा थिक पेस्ट बना लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आप इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई करें। जब ये सूख जाए तो हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए इसे उतार दें, कुछ इस तरह से हमारा फेस पैक बना है। लेकिन फ्रेंड्स, याद रहे जब आप इस फेस पैक को अप्लाई करें तो इस फेस पैक को गर्दन पर लगाना ना भूलें, क्योंकि गर्दन और फेस की स्किन टोन में काफी डिफरेंस आता है। तो अगर आप इसको गर्दन पर भी लगाएंगे तो गर्दन और फेस की स्किन टोन इक्वल दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा थर्ड फेस पैक। अब बात करते हैं फोर्थ की। दोस्तों, अब बारी आती है हमारे फोर्थ फेस पैक की। ये मैंने 1 टेबल स्पून बेसन लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून हमें बेकिंग सोडा मिक्स करना है कुछ इस तरह से। चुटकी भर हमें इसमें टर्मरिक पाउडर लेना है, यानी कि हल्दी लेनी है थोड़ी सी, और इसे मिक्स करना है। इसके बाद हमें इसमें पानी की हेल्प से एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है जिसको हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर सके। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। और इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई करें। इसके बाद जब ये सूख जाए तो ठंडे पानी की मदद से इसको निकाल दें। ये फेस पैक अंदर तक जाकर आपकी स्किन को ग्लो देगा। अगर आपकी ब्लैक हेड स्किन है या फिर पिगमेंटेशन है आपकी स्किन पर, तो ये उनको भी दूर करता है। दोस्तों, अगर आपकी स्किन पर सन टैन है तो ये उससे भी छुटकारा देता है। तो दोस्तों, ये तो हुए हमारे फोर फेस पैक्स जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे।